We have here with us. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. ये बड़े मज़े से ना अपने उसमें अपने कैरेक्टर में गुम यहाँ से वहाँ वॉक करती हुई. शी जस्ट पास्ड बाय मी एंड यू नो मैं गई पीछे से मैंने क्या नॉक नॉक शी टर्न लाइक राबिया मैंने कहा तो बड़ा मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पहचानते हैं फिर एक वार्म्थ होती है एंड वी हग एंड वी टॉक एंड यू नो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे. आपसे भी दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू कि आपने आके मुझे रियलाइज कराया कि मैं अपने कैरेक्टर के डांस में गुम थी. आई नो मेरे मुझे मालूम हो रहा था बिकॉज़ शूट हो रही है सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. अच्छा ये बताएं भाई ये ब्रश व्हाट इज द चक्कर ये ब्रश का क्या चक्कर है? सो दिस इज अ बिग हिंट ऑब्वियसली टुवर्ड्स माय कैरेक्टर. आर यू अ मेकअप आर्टिस्ट? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. और आर यू जस्ट अ फैन समबडी हु लाइक्स डूइंग मेकअप? नहीं 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 आई एम नॉट जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम अ बिग बिजनेस ओनर. आई हैव मेनी सैलॉन्स एंड यू नो मजे की बात ये है कि दिस इज also something that I've done in my yeah, own life. So this yeah. is so close to my heart. Brushes wagera yeah. dekh and you know characters dekh and it's like this is for me. But how does it feel that you're back in the Ramzan drama now? Pichle saal aapne kiya usse pehle bhi kiya lekin ab थर्ड राइट थर्ड है ना दिस इज माय सेकंड रमजान प्ले सेकंड हां पहले वाले का तो एक सीक्वल बन गया था ना आफ्टर रमजान दिस इज माय सेकंड रमजान प्ले एंड दिस इज अ ह्यूज कास्ट तो अच्छा भी है थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है बिकॉज़ यू नो सो मेनी पीपल सबकी अपनी एक इंडिविजुअल स्पेस भी रखनी है लेकिन उनके साथ एक जिसे आप लोग केमिस्ट्री बोलते हैं वो भी बना के रखनी है बट इट्स नाइस सब अपना फ्लेवर लेकर आते हैं. अच्छा मुझे बताएं क्योंकि आपने पहले भी किया है कॉमेडी तो ये इस बार जो हम ये ड्रामा देख रहे हैं इसमें आपको क्या चीज़ डिफरेंट लग रही है क्या चीज़ लोगों को नई देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी और स्टोरी और जनरली यू नो? देखिए स्टोरी लाइन तो हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट रखी जाती है. वंस अगेन बिग फैमिलीज इंटरेक्शन एक कॉमन एलिमेंट हो जाता है लेकिन जो कैरेक्टर ख़ासतौर पर मैं अपने कैरेक्टर के हवाले से कह सकती हूँ कि शी इज़ अलॉट मोर आउट देयर मतलब इसकी कॉमेडी थोड़ी ज़्यादा इन्हांस्ड है. पहले ज़रा बैलेंस्ड कॉमेडी थी ना सीरियस भी था कॉमेडी भी दिस में तो ऑलमोस्ट एवरी लाइन विल मेक यू गो इनटू लाफ्टर. ओके फिर तो आपको बहुत मज़ा आया होगा. मज़ा भी बहुत आया और फिर थोड़ा सा ये भी कंसर्न रहता है कि इतना ज़्यादा हंस हंस के लोगों की हालत ही ना ख़राब हो जाए. नहीं भाई अच्छा है हम सबको हंसने की ज़रूरत है. वी वुड लव टू लाफ अ लॉट एंड यू नो अच्छा लगेगा ड्रामा ऐसा हो जो वाकई हमें हंसने पे मजबूर करे और ये नहीं हो कि हम ज़बरदस्ती हंस रहे हो. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जितना मैं सुन रही हूँ कास्ट से बात मुझे लग रहा है कि ये शायद उन्हीं लाइन्स पे हो और कॉमेडी मुझे बड़ी इंटेलिजेंट लग रही है. आर यू फीलिंग कि वो अंडरलाइन डबल मैसेजेस हैं? डबल मैसेजेस हैं जो समझ सकें उनके लिए बहुत अच्छा जो ना भी समझे तो इन योर फेस वाली कॉमेडी भी बहुत हिले. तो अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट द मैसेज यू नो कि अच्छा इसका ये मतलब था और जो सिंपली इससे फॉर द मोमेंट उसको एंजॉय कर रहे हैं वो भी बहुत एंजॉय करेंगे. तो कुछ सरप्राइजेज हैं आपके कैरेक्टर से रिलेटेड? वैसे आपकी आप फिर पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होंगी जैसे आप फेरी टेल में होती थी या क्या ऐसा करेंगे फिर से आप फिर हम बोलेंगे ये तो अच्छी थी ये बुरी कैसे हो गई? आप लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना कुछ कहने का. ये बात भी सही है. सो यू आर गिविंग अस कंटेंट फॉर अ चेंज दैट्स गुड. ठीक है चलें थैंक यू सो मच. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हम स्टोरी नहीं रिवील कर रहे बट वी वॉन्टेड यू गाइज टू मीट द कैरेक्टर्स जिनको आप अब पूरा रमज़ान देखते रहेंगे अपने स्क्रीन पर इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच समन. तैमूर और ये हैं द परीशे. ये आर यू रियली द परीशे? हु इज द परीशे? ही इज नेम्ड यू दिस. अच्छा हाँ उन्होंने आपका नाम रखे द परीशे. हेलो आप लोग उनको जानते हैं? हाँ ये बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे. कन्वेंशनली डैश डैश फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक वेरी गुड लुकिंग. अच्छा मुझे ये बताएं पहला रमजान ड्रामा आप दोनों का right? Yes. Are you guys excited, scared? Because Ramzan dramas now have become a huge thing. जहाँ वो स्टार बनाते हैं लोगों की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म भी आता है एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऑडियंस की. सो आप दोनों का क्या इस वक्त रिएक्शन है? मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं है तुम बताओ. मैंने भी इतना नहीं सोचा. और ऐसे होता है कि एक अच्छा सवाल हो तो उसका क्या हाल किया जाता है जब ऐसे जवाब आते थे. कैसे हो सकता है यार आप लोगों को एक्साइटमेंट होगी? ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है. मैंने इतना कभी सोचा नहीं है कि इससे क्या होगा क्या चल करेगा लेकिन हम एक्साइटेड तो हैं. हम रमजान का बेताबी से इंतजार है मुझे. हाँ या क्या बोले बोले आप बोले झूठ बोल रहे हैं ना आप? इधर आगे बोले क्या चल रहा है? आ जाएं इधर आगे क्या चल रहा है अभी बताएं. हाँ जी
मुझे अच्छी तरह पता है कि तैमूर और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई हुई हैं प्रॉपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि यार रमज़ान प्ले क्योंकि देर अ बिग डील. सो मैंने कहा तैमूर दिस इज़ लाइक योर फर्स्ट ड्रामा वेयर यू हैव लाइक अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, सो इट्स अ बिग ब्रेक फॉर यू. सो हमने बैठ के पूरा डाइसेक्ट किया था कि किस तरह इसे परसू करना चाहिए फर्दर एक्टिंग को, और जिसमें मैं सुन रहा था और ये बोल रहा था जो कि नॉर्मल दैट इज मोस्ट ऑफ माय कन्वर्सेशंस विद पीपल. तो डिस्कशन कोई नहीं हुई, ये वन साइडेड और तो फिर झूठ ना बोलो इंटरव्यू में. मेरी गलती यही है कि मैं ना इंटरव्यू में सच बोल देता हूं. नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा. मैंने बोला है, मैंने कहा था एक्साइटेड हूं, ऑब्वियसली हर ये भी एक्साइटेड है, तुम भी एक्साइटेड हो, और कह रहे हैं कि इतना नहीं मैंने सोचा. सोचा इतना एक्साइटमेंट तो है भाई, इतना सोचा नहीं था, सोचा नहीं है जितना उन्होंने पूछ लिया. अच्छा चले अब मैं इनका इंटरव्यू अजान ब्रेक लेते हैं. अजान ब्रेक लेते हैं. सो व्हाट्स द नेम ऑफ योर कैरेक्टर? साद. साद, या माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड इज आल्सो कॉल्ड साद. साद, या सो यू लाइक दिस नेम? या इट्स अ नाइस नेम, इट्स बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन माय लाइफ. Really? Because of the friend? बचपन का दोस्त मेरा साद, अभी तक बड़ा अच्छा. वी इवन वेंट we went to school together, then college together, and then university together. Okay. And we've also lived together. Wow. Yeah. क्योंकि हमारा university college लाहौर में था ना, तो हम सियालकोट के थे, तो we had to share a house. तो जब इतनी close friendship हो और फिर आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे चले जाएँ, तो how much do you miss him or miss that person, and how do you go on about life? Because वो एक I don't miss him. I see him every time I go to Sialkot, or if he comes to Karachi or Lahore. रोज़ रोज़ का तो नहीं होना जो पहले होता होगा. हाँ, I think that's life. You need to learn how to. खाकान बहादुर है. हाँ, हाँ नहीं पर ज़िंदगी में ऐसे ही होता ना. आप losses और basically. साथ आपको कोई नहीं miss कर रहे खाकान. नहीं मैं तो करता हूँ. हम तो रोज़ बात भी करते हैं. हमारा group है सब दोस्तों का. We are very वो क्या कहते हैं, अभी तक हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं. आई कीप टेलिंग माय फ्रेंड्स दैट वी आर वेरी लकी पीपल. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा खाकान, रमजान ड्रामास, मुझे लगता है रमजान ड्रामास ना एक बड़ी चीज़ हो गई है. पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर. और उसमें कास्ट कौन है, हीरो हीरोइन कौन है, कपल ऑन स्क्रीन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं. एंड या तो हिट हो जाता है या मिस हो जाता है. So how are you feeling about it, and what was your reason for saying yes to a Ramzan drama? My reason for saying yes to it was because I really enjoy doing light-hearted scripts. Mm-hmm. Scripts that have some form of comedy or fun element to it. Yeah. But I think, like you said, Ramzan dramas are a thing and yeah, people look forward to them. Mm-hmm. I wanted to do a project that people look forward to, you know. Yes. Because I am still like a struggling actor, if you may call it, because dobara bole ka maine keh diya ya aap tak taraf se ya. No, but it's fine, you can call me a struggling actor, it's fine. Okay. Like so, yeah, I like his honesty. Jo bhi kuch bole, I like you being so honest. Main kya yaar, I'm saying aaj se 5 saal baad bhi inshallah jab main aapko dobara interview karu, तो उसके बीच में और भी कर रहे होंगे.